बॉलर एश्री संत का बैन 13 सितंबर को खत्म हो गया। उन पर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में बैन लगाया गया था। पहले लाइफ टाइम बैन लगा था, लेकिन श्री संत ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इससे बैन की अवधि घटाकर 7 साल कर दी गई थी। यही अवधि अब खत्म हुई है। श्री संत पहले ही कह चुके हैं कि बैन हटते ही वे क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। वे डोमेस्टिक क्रिकेट में केरल की ओर से खेलना चाहते हैं। श्री संत ने बैन हटने के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें आज़ादी मिल गई है, वे फिर से खेलने को आज़ाद हैं। ये काफी राहत की बात है। उन्होंने कहा, लंबे इंतजार के बाद मैं फिर से खेल सकता हूँ, लेकिन अभी भी देश में कहीं खेल नहीं हो रहा। मैंने इस सप्ताह कोची में लोकल टूर्नामेंट कराने की प्लानिंग की थी, लेकिन अभी जिस तरह का खतरा है उसे देखते हुए इसे टाल दिया। मई 2019 से मैंने फिर से खेलने के लिए ट्रेनिंग में दिलो जान लगा दी है, इसलिए जब भी मैं पढ़ता हूँ कि घरेलू क्रिकेट इस सीजन में नहीं होगा तो मैं टूट जाता हूँ। मैंने खेल को छोड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर सोचा कि इससे तो मैं खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। 37 साल के श्री संत ने 10 सितंबर को ट्वीट किया था, मैं सभी आरोपों से बरी हूं और अब फिर से वह खेल खेलना चाहता हूं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं हर एक गेंद में जान लगा दूंगा, फिर चाहे वो प्रैक्टिस की क्यों ना हो। मुझ में अभी भी 5 से 7 साल का खेल बचा है और मैं जिस भी टीम के लिए खेलूंगा उसके लिए बेस्ट दूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं क्रिकेट में कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा, फिर चाहे वो फ्रेंडली मैच ही क्यों ना हो। मैं ना तो आसान गेंद फेंकूंगा और ना ही हारने की कोशिश करूंगा, इसलिए सभी लोग ये बात समझ लें। श्री संत अब कभी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप उन्हें डोमेस्टिक मैचेस में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।